दोस्तों, जब भी आप YouTube को ओपन करते हैं तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि YouTube को ओपन करते ही काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके YouTube के होम पेज पे आती हैं। अब दोस्तों, ये जो वीडियोस हैं वो किसी ना किसी ने बनाई है, किसी ना किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है इस वीडियो को, और ये वीडियो जो है ऑटोमेटिक आपके होम पेज पे भेजा जाता है। जिस वीडियो को जब आप देखते हैं तो उनके व्यूज़ बढ़ते हैं, वो जो है पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस तरीके से आपकी वीडियो YouTube के होम पेज पे क्यों नहीं जाती, और अगर जाती है तो लोग देखते क्यों नहीं, आपके वीडियोस पे व्यूज़ क्यों नहीं आते। और अगर आपकी वीडियो इस तरीके से लोगों के होम पेज पे जाने लगेगी तो ऑटोमेटिक जो है आपके वीडियो को लोग देखने लगेंगे और ऑटोमेटिक आपका चैनल जो है ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सोचने के बाद मैंने इंप्रेशन का एक ऐसा ट्रिक ढूंढ निकाला है जिससे कि आपके वीडियो लोगों के इस तरीके से होम पेज पे जाएंगे और आपके वीडियो को लोग जो है ऑटोमेटिक देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, इतना तो आपको पता है कि अगर आपके वीडियो को YouTube किसी के होम पेज पर भेजने लगे, इस तरीके से किसी के सामने भेजने लगे, तो आपके वीडियो को 110% वो बंदा देखेगा ही देखेगा। अगर 100 लोगों के पास भेज रहा है तो 10 लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो तरीका ढूंढा है वो तरीका मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि YouTube पे आप जो भी सर्च करते हैं, जो भी आप लिखते हैं, मान लीजिए कि आपने लिखा कि हाउ टू मेक फूड, डिलीशियस फूड, या फिर आपने लिखा कि हाउ टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ भी आपने सर्च किया YouTube पे, किसी मूवी को सर्च किया, किसी भी चीज़ के बारे में आपने सर्च किया, तो आपने देखा होगा कि उसी से रिलेटेड वीडियो आपको जो है YouTube पे दिखाया जाता है। पहले ये 100% सच बात है कि अगर आप YouTube पे कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी लिखते हो, तो उसी से रिलेटेड आपके YouTube जो है होम पेज पे वीडियो को खींचता है। अब दोस्तों, आपकी वीडियो आखिर कैसे चलेगी, आपकी वीडियो कैसे कोई जब सर्च करता है, जब किसी चीज़ को ढूंढता है YouTube पे, तो उसमें आपकी वीडियो कैसे जाएगी, क्योंकि आपकी भी वीडियो किसी ना किसी कैटेगरी पर है, और आपकी वीडियो वहाँ तक पहुँचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने वीडियो को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, मतलब कि लोगों के इंप्रेशन भेज सकते हैं, लोगों के होम पेज पर आपकी वीडियो आना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिससे आपकी वीडियो जाएगी उन तक। अब मान लीजिए कि किसी ने सर्च किया न्यू मूवीज़, ठीक है, न्यू मूवीज़, किसी ने यहाँ पे जो है न्यू मूवी सर्च कर दिया। अब दोस्तों, जैसे ही किसी ने न्यू मूवी सर्च किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 22 घंटे पहले डाले हुए हैं 4.5 मिलियन व्यूज़, और देख सकते हैं कि 22 घंटे में ही न्यू मूवी लिखने पे ये जो है ऊपर में वीडियो आने लगा। इसी तरीके से अगर 3 दिन पहले देखेंगे आप, तो 3 दिन पहले ये वीडियो दिखाई जा रही है, 23 आवर पहले दिखाई जा रही है, 2 डेज पहले दिखाई जा रही है, मतलब कि जितने भी वीडियोज़ डाले हुए हैं अप टू डेट वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों, ये तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 22 घंटे हो रहे हैं, 22 घंटे को ज़्यादा नहीं होते हैं, एक दिन भी 24 घंटे में होते हैं, और मात्र 22 घंटे में ही 4.5 मिलियन व्यूज़ हैं, और न्यू मूवीज़ लिखने पर सबसे ऊपर ये मूवी आ रही है। अब मैं जब इस मूवी को ओपन करूँगा तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा, इसमें किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा है जिससे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ पर मैंने जैसे ही डिस्क्रिप्शन ओपन किया तो यहाँ पे इसने लिखा है न्यू मूवी 2022 रिलीज्ड हिंदी डब्ड रोमांटिक एक्शन मूवी न्यू साउथ मूवी। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया है, न्यू मूवी, ठीक है, न्यू मूवी मैंने सर्च किया है, और यहाँ पे दिखा रहा है न्यू 2022 रिलीज फुल हिंदी डब्ड रोमांटिक एक्शन, फिर इसने लिखा है न्यू साउथ इंडियन मूवीज रामचरण अप टू राइट कॉप हिमसेल्फ ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें लिखी है, लेकिन एक चीज़ इसने यूज किया है स्टार्टिंग में ही न्यू। अब दोस्तों, जिस भी कीवर्ड को आप डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा यूज करते हैं, जिस भी कीवर्ड को आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, वो कीवर्ड आपकी रैंक करती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने वीडियो में अगर न्यू लिखोगे तो आपकी वीडियो जल्दी दिखाई जाएगी, अगर आप अपने वीडियो में जो चीज़ें लिखोगे उससे जल्दी दिखाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत होगी कि आप ऐसा वीडियो में क्या लिखेंगे, आप ऐसा वीडियो में कौन सी ऐसी चीज़ अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे जिससे कि आपकी वीडियो जो है सर्च में आएगी, लोग जो सर्च करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप जिस भी कैटेगरी पर वीडियो बना रहे हैं उसमें लोग कौन से कैटेगरी पर ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी पर आपकी वीडियो ज़्यादा जा रही है। तो ये चीज़ें जब आप सर्च करना, जब आप एनालाइज करना कोशिश करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी टैग डाल दिया, तो इस तरीके से वीडियो नहीं चलती। अगर आपको इंप्रेशन में इस तरीके से लोगों के सामने वीडियो लाना है कोई अगर सर्च कर रहा है, तो आपको सर्चेबल कीवर्ड ढूंढना होगा। हर टॉपिक के ऊपर सर्चेबल कीवर्ड होता है, जैसे कि आप अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, तो उस टॉपिक में आप ये सोचिए कि लोग सर्च क्या करते होंगे, लोग लिखते क्या होंगे, लोग सर्च आखिर क्या करेंगे कि ये टॉपिक जो है सो दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ये काफ़ी कम लोग बता पाते हैं, काफ़ी लोग कम सोचने के बाद बताते हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी सोचा, काफ़ी समझा, तब जाके मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड नहीं बता सकता, क्योंकि कीवर्ड जो है आपके अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग कीवर्ड होते हैं, अलग अलग वीडियो के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है कीवर्ड होते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सोचना है कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड लोग सर्च क्या करते हैं। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, मैं ये वीडियो बना, जैसे कि मैंने जो है ये वीडियो देखा, ठीक है, ये मूवी देखी, तो ये मूवी जो है काफ़ी पुरानी है, ये मूवी कोई नई मूवी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सर्च किया न्यू मूवी और इसने यहाँ पे लिखा है न्यू 2022 मूवी, तो इसकी मूवी जो है फर्स्ट पे आ गई। उसके बाद मैंने नीचे जो है ऊपर में न्यू मूवी लिखा था, फिर उसके नीचे न्यू 2022, यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे तो न्यू ही आए, दो वीडियो आए यहाँ पे, दोनों जो है न्यू ही है, मैंने क्या सर्च किया, न्यू मूवी। तो आपको सर्चेबल कीवर्ड ढूंढने हैं सर्च से रिलेटेड, कि आखिर लोग सर्च क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सर्च से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं अपने टॉपिक पे, तो उस पर मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप कहाँ से कीवर्ड ढूंढ सकते हैं अपने सर्चेबल वीडियो बनाने के लिए। बाकी अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, ये चीज़ सोच सकते हैं कि मेरे टॉपिक पर लोग सोचते क्या है, मतलब मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक पर किस तरीके के सर्चेज होते होंगे, क्या लोग सर्च करते होंगे। जैसे आप बना रहे हैं वीडियो कि पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाएं, तो लोग क्या सर्च करते हैं, हाउ टू मेक पनीर, हाउ टू मेक पनीर भुजिया, हाउ टू मेक पनीर
कढ़ाई, हाउ टू मेक पनीर मसाला, हाउ टू मेक पनीर ढोकला, मतलब कैसे रिलेटेड सर्च करते होंगे न्यू पनीर रेसिपी। तो इस तरीके से जब आप अपने टाइटल में, जब आप अपने डिस्क्रिप्शन में, जब आप अपने टैग में न्यू का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वीडियो जो है रैंकिंग जाती है। जिस लोगों ने भी न्यू से रिलेटेड सर्च किया है इस तरीके से होम पेज पे, उसकी वीडियो जो है जान लगेगी। अब मैंने न्यू मूवी सर्च किया, मैंने देखा या नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिक कुछ न्यू मूवीज जो है मेरे होम पेज पे आएंगी 100%। जैसे देखिए अभी मैंने न्यू मूवी सर्च किया था और ये मैंने देखा नहीं न्यू मूवी, लेकिन वन डे पहले अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे होम स्क्रीन पे आ गया न्यू मूवी। तो इस तरीके से आप जो है YouTube का एल्गोरिथम काम करता है और आप इस तरीके से अपनी वीडियो को चला सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये काफ़ी यूजफुल जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया। अब दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही YouTube से रिलेटेड टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।